आप जी ने फेसबुक राही सूचित किया जाता है, सारे सुरक्षित ने, गुरुद्वारा साहब की इमारत भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तकरीबन रात को 12 बजे के करीब बड़ी तेज बरसात हुई, एक नवा नाला इतने चलिया, पहले इतने पानी कदे नहीं आया उस पासा, तो उधर तो एक नवा नाला बनया, बड़ी तेज बरसात का पानी आया, नाल बड़ा सारा चिक्कड़ मलबा और छोटी छोटी लकड़ा नाल आईया, पत्थर आए नाल, और गुरुद्वारा साहब के पिछले पास आके बड़ा भारी मलबा जमा हो गया। और गुरुद्वारा साहब के पिछले पास जरा गेट बाजार वाल है, उत्थों पानी आना शुरू हो गया गुरुद्वारा साहब के अंदर। मैं सोचा थोड़ा पानी आता कई बार तो उत्थे रोकण का यतन किया गया, लेकिन बड़ा तेज विचों एकदम मलबा आ गया, तो गेट असी बंद कर दिता, तो मलबा गेट से आगे रुक गया, काफी सारा चिक्कड़ अंदर आ गया, लेकिन गेट के कोल आके कोई पत्थर फस गए, कोई बाजार दी बोरियां भरियां पईयां सन तरपालां जी वह फस गई, मलबा रुक गया, असि वह जिहड़ा रस्ते मलबा आया सी सारा साफ कर दिता, और गेट नूं बड़ा जोर पै रहा सी, जिस करके असि कोई लकड़ा उहदे पिछे लाते गेट भी टुटे ना ही खुले ना, लेकिन फिर बड़ा जोर पिया मलबे का, तो गेट खुल गया, फिर जिस नाल एकदम बड़ा भारी मलबा अंदर आ गया। ये बाजारे वाले पासों गुरदार साहब के बैक साइड था, और फिर उस तो बाद बड़ा भारी पानी भी चलिया, बहुत चिक्कड़ वाला पानी, 2 बजे तक 2 घंटे लगातार पानी बड़े जोरदार चिक्कड़ मलबा चलता रहा, और उतो आके पलसा वाले पासे जाता रहा, पूरा सारे पासे साढ़े सेवादार ध्यान करते रहे, सब सुरक्षित है ठीक है। तो ये नवा ही एक पानी नाला बन के आया, जिन्हें बड़ा सारी मलबा लिया, तो रात भर सारे जागते रहे देखते रहे, लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा, सब सुरक्षित है, कोई जान माल का नुकसान नहीं होया, सिर्फ एक भय होंगे जरा बड़ा सारे संगत भी सी जड़ी, फिर नवे लोग डर जाते हैं भी पता नहीं की हो गया, सेवादारा भी नहीं इस गल का इलम क्योंकि पहली बार पानी आया सी, तो सारे बड़ी सावधानी नाल मिलजुल के सारे पासे का ध्यान करते रहे। 2 बजे के करीब फिर पानी बंद हो गया, तो उधरों इस पासे गेट दे साडे गुरुद्वारे वाले पासे, तो दूजे पास शिव मंदिर वाले पासे भी वह चिकड़ जाता रहा, तो हुण वह बार दुकाना दे जिहड़ी बार दुकाना ने उन्हें 7-7, 8-8 फुट मलबा उन्होंने दुकाना के बार खड़ा, तकरीबन शटर जड़े ने उन्होंने पौने पौने डुबे हुए ने, थोड़ा जा ही शटर पर खाली है, बाकी सारी दुकाना डुबिया हुई ने, तो मलबा हाले उस तरह है। गुरुद्वारा साहब के अंदर जो मलबा आया था वह असी तकरीबन साफ कर दिता, थोड़ा जा मलबा बाकी रह गया, तो जोड़ा बहर है वह तो फिर बहुत भारी मलबा है, दुकाना भी डुबिया हुई ने, और हम उसका जोड़ा निकास का तरीका है फिर वह जिस तरह भी पंचायत या सरकार मिल के जो दसेंगे उस तरह ही होगा। बाकी सारे दसना चाहते हैं भी असी सारे ही संगत सेवादार सारे सब ठीक ठाक।